लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज भी वेबकास्ट के द्वारा आपके संबोधन को सुनेंगे। इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइज के मेरे साथी मंत्री श्रीमान अनंत गीते जी, राज्य मंत्री श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी, मेरे सहयोगी श्रीमान पीके मिश्रा जी, श्री पीके सिन्हा जी, देश भर से आए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, हमारे अनंत गीते जी गाते नहीं हैं और बाबुल जी गाते हैं। पब्लिक सेक्टर की हमारी जो छोटी सी दुनिया है, इसमें एक नई शुरुआत है और मैं आप सभी का CPSE कॉन्क्लेव में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले एक डेढ़ घंटे में जो प्रेजेंटेशन यहां दिए गए, उसमें आपका परिश्रम, आपका उत्साह और बाय एंड लार्ज मैं कह सकता हूं ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये मैं साफ साफ देख रहा था। कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी और न्यू इंडिया पर आपका विजन, आपके विचार भी जानने का अवसर मुझे मिला। शायद ऐसा सौभाग्य कि पहले किसी प्रधानमंत्री को मिला है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे मिला। प्रेजेंटेशन से जो टीम में जुड़ी, इसके साथ जुड़ी रही, जिन्होंने चर्चाएं की, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं, ताकि उन्होंने काफी मंथन किया होगा, काफी रेफरेंसेज इकट्ठे किए होंगे और अपने रोजमर्रा के कार्य से थोड़ा बाहर निकल करके भी उनको सोचने का अवसर मिला होगा। अब मुझे बताया गया है कि बीते महीनों में आप सभी ने एक मंथन का लंबा दौर चला है, अपने अपने संबंधित सेक्टरों में कैसे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना है, इस बारे में आपने गहरा विचार विमर्श किया है। और आपकी जानकारी के लिए, आप वहां कुछ कर रहे हैं तो आपके विषय पर मैं भी करता रहता था, आपके अफसरों को बुला बुला करके, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी भी विचार प्रक्रिया का तालमेल आपके साथ जुड़ना चाहिए। तो एक प्रकार से हर किसी ने अपने अपने स्थान पर एक मंथन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और मेरे ध्यान में ऐसी तमाम मुश्किलों को लाया गया है जिसे सामान्य तौर पर आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं। सरकार इन दिक्कतों को दूर करने के लिए लगातार काम भी कर रही है। बीते चार सालों में सरकार ने भी पब्लिक सेक्टर से जुड़े संस्थानों को ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। साथियों, स्वतंत्रता के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने राष्ट्र निर्माण में, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब भारत को फंड की जरूरत थी, नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहिए था और ये सभी कुछ मिलना आसान नहीं था, उस समय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने देश से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मोर्चा संभाला था, एक से एक ब्रांड स्थापित किए थे, पावर का प्रोडक्शन, पावर से जुड़े इक्विपमेंट की डिजाइनिंग, स्टील का प्रोडक्शन, ऑयल, मिनरल, कोल, अनेक सेक्टरों में आपने अपना वर्चस्व स्थापित किया। आपने उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी जब प्राइवेट सेक्टर की भूमिका
इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। आज भी आपके संस्थान भारत की अर्थव्यवस्था को ना सिर्फ मजबूती दे रहे हैं बल्कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में कैटलिस्ट का भी काम कर रहे हैं। साथियों, प्राइवेट सेक्टर में जब हम एक सीईओ की बात करते हैं तो उसका असेसमेंट इस बात से होता है कि शेयर होल्डर्स के लिए उसने कितना प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए भी अहम है, लेकिन उसके साथ साथ उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उनको ध्यान रखना पड़ता है कि समाज जीवन के लिए सोसाइटी का कैसे और कितना भला हुआ। हम सिर्फ शेयर होल्डर तक सीमित नहीं रह सकते, हम पूरे समाज के दायरे को देखना पड़ता है। हमें एक प्रकार से पीएसई का सही मायनों अर्थ होता है प्रॉफिट एंड सोशल बेनिफिट जनरेटिंग एंटरप्राइज, यानी ना सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट लेकिन सोसाइटी के लिए बेनिफिट भी जनरेट करे। जब हम सोशल बेनिफिट की बात करते हैं तब आप सभी अधिकारियों और पूरे पीएसई स्टाफ के प्रयास और त्याग को कैसे भूल सकते हैं। दूर सुदूर मुश्किल जगहों पर जहां सुविधाओं का अभाव है और कई बार कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, कई दिक्कतें हैं, लेकिन आप सब डटे हुए हैं। देश के लिए हर मुश्किल को, हर परेशानी को आप भी सह रहे हैं। आपके ही साहस का नतीजा है कि सरकार बड़े बड़े फैसले लेने में आज सक्षम है और निर्णय कर रही है। फिर वो चाहे देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात हो या फिर देश की हर गरीब माता बहने की रसोई तक एलपीजी कनेक्शन की बात, आपके संस्थाओं से जुड़े लाखों कर्मचारियों के अथक परिश्रम के बिना ये संभव नहीं था। और हमने इस फिल्म में भी देखा, आपके प्रेजेंटेशन में भी देखा, किसने कितना बड़ा दायरा और कितने समय सीमा में इसको कवर किया है। साथियों, सिर्फ इतिहास अच्छा हो, समृद्ध हो, आज के युग में बात वहां समाप्त तो नहीं होती है, इससे काम नहीं चलता है। वर्तमान की चुनौतियों के मुताबिक बदलाव की भी जरूरत अनिवार्य होती है। और मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में आइडियालिज्म और आइडियोलॉजी ये काफी नहीं है, इसकी जगह प्रैग्मेटिज्म एंड प्रैक्टिकेबिलिटी, उसको भी स्थान होना चाहिए। सेक्टर चाहे कोई भी हो, लेकिन जब 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तब एंटरप्राइज एंड इनोवेशन वो मंत्र होना चाहिए जो हम सभी को गाइड करे, हमारा ड्राइविंग फोर्स हो। प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, सक्सेस के लिए अलग अलग मंत्र नहीं होते हैं। सफलता के मंत्र की जब मैं बात करता हूं तब 3I की एक सोच सामने आती है। और ये 3I यानी इंसेंटिव्स, इमेजिनेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। इंसेंटिव जब हम कहते हैं तब इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में बदलाव लाने वाला सबसे बड़ा टूल है। बिजनेस में ही क्यों, जिंदगी में भी अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति से उसकी क्षमता के मुताबिक हमें काम करवाना होता है तो उसे हम निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे में आपको भी यूनिक इंसेंटिव मॉडल्स के साथ सामने आना होगा ताकि ठहराव और निष्क्रियता की स्थिति से बचा जा सके। लेकिन जब हम इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ फाइनेंशियल हो ये जरूरी नहीं है।
कई बार बेहतर परफॉर्म करने वाले की फोटो बुलेटिन बोर्ड में लगाने भर से या फिर चेयरमैन की तरफ से पीठ पर जरा थपकी लगा दें, छोटी बात होती है, सैकड़ों कर्मचारियों को वो मोटिवेट कर सकती है। मुझे बराबर याद है, मैं बड़ौदा में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में गया था। वे कोई प्रोडक्ट बताते थे, उसका बड़ा वर्णन वो पब्लिक करते थे अपने कर्मचारियों के बीच में, और उनको कहते थे कि इस दवाई का नाम आप तय करो, और बड़ी कंपटीशन होती थी उनके अंदर। हो सकता है कि वो साइंटिस्ट नहीं था, छोटा सा मुलाजिम था, लेकिन वो दवाई का नाम शब्द ढूंढता था एक जिस काम के लिए, और फिर उसको इनाम देते थे, बड़ा फंक्शन होता था। जितना ही वैल्यू उन साइंटिस्टों की थी, उतना ही सबने मिलकर जो नाम चुना है उसकी भी रहती थी। यानी कैसे इंसेंटिव दिया जाता है, किस प्रकार से उसको पुरस्कृत किया जाता है, ये मैं समझता हूं कि परिवार वाले जो यहां है उनको भी पता है कि इन चीजों का परिवार में भी कितना उपयोग होता है। इस परिवार भाव से हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। दूसरा विषय मैंने कहा इमेजिनेशन। अगर इमेजिनेशन की बात करते हैं तो आज इसके मायने वैसे नहीं रहे जैसे उस वक्त थे। ज्यादातर पीएसई बनाए गए थे, आज इसका अलग ही स्वरूप है। आज स्थिति यह है कि कई कामयाब प्राइवेट कंपनियां दो दशक से ज्यादा नहीं टिक पाती, ये सच्चाई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है भविष्य में आने वाले बदलाव, विशेष रूप टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस के हिसाब से खुद को न ढाल पाना। यहीं पर लीडरशिप की इमेजिनेशन काम आती है। मैं अहमदाबाद में काफी साल रहा, एक जमाना था वहां मील के बड़े बड़े चिमनियां वो शान हुआ करती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी को न लाने के कारण वो सारी दुनिया बिखर गई। आज एक भी चिमनी से धुआं नहीं निकलता है, क्यों? इमेजिनेशन का अभाव था, बनी बनी चीजों पर गुजारा करने की आदत हो गई थी। और जो समयानुकूल बदलाव नहीं लाते, परिवर्तन नहीं लाते, दूर का देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते, निर्णय नहीं कर पाते, वो वहीं न वहीं ठहर जाते हैं और धीरे 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 उनका नष्ट होना निर्धारित हो जाता है। और आज की दुनिया में डाइवर्सिफिकेशन एंड डिसरप्शन, इसकी अहमियत बढ़ गई है। और तीसरा आई यानी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ये संभवतः लीडरशिप का सबसे अहम टेस्ट है। और मैं लीडरशिप यानी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कह रहा हूं, हम सब लोग यहां बैठे हैं वो अपने आप में अपने कार्यक्षेत्र की लीडरशिप उनके पास है। जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस पूरे जगत के क्षेत्र के अंदर भी उनको लीडरशिप प्रोवाइड कर रही है। एक ऐसी टीम का फॉर्मेशन जो व्यवस्था केंद्रित हो, व्यक्ति केंद्रित और व्यक्ति आधारित व्यवस्थाएं लंबे समय तक नहीं चल पाती है। साथियों, आज तक हम पीएसई को नवरत्न के रूप में क्लासिफाई करते रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है जब हम इससे भी आगे की सोचें। क्या हम न्यू इंडिया रत्न बनाने के बारे में नहीं सोच सकते, जो न्यू इंडिया बनाने में मदद कर सके? क्या आप तकनीक और प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए जरिए न्यू इंडिया रत्न बनने और बनाने के लिए तैयार हैं? मैं समझता हूं कि न्यू इंडिया के निर्माण में आपकी सहभागिता 5P फॉर्मूले पर चलते हुए और ज्यादा हो सकती है। ये 5P हैं, परफॉर्मेंस, प्रोसेस, पर्सोना, प्रोक्योरमेंट और प्रिपेयर। साथियों, आप सभी को अपने संस्थानों की ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का बेंचमार्क और ऊपर ले जाना होगा। अपने अपने सेक्टरों में दुनिया में जो सबसे बेहतरीन है उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। आज दुनिया भर में चर्चा है
कि भारत कुछ ही वर्षों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदल जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए जीडीपी में जो ग्रोथ चाहिए वो हासिल करने में भारतीय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, मुझे बताया गया है कि वर्ष 2017-18 में पीओएस की तरफ से जीडीपी में नेट वैल्यू एडिशन की करीब 5% का था। समय की मांग है कि इसे बढ़ाकर 2 गुना किया जाए। आप सभी का कलेक्टिव एफर्ट इस दिशा में होना चाहिए कि पीएसयू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बाद देश में रेवेन्यू जनरेशन का थर्ड आर्म बने। हमारे यहां कहा भी गया है, उद्योग संपन्नम संपैति लक्ष्मी, यानी उद्योग संपन्न मानव के पास लक्ष्मी आती है। राष्ट्र के हित के लिए भी जरूरी है कि उद्योग हमारे पीएसयू संपन्न रहे और वो राष्ट्र को संपन्न करे।